नमस्कार साथियों, मीरा इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से मीरा इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सब प्रतियोगियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई है और इस कक्षाओं में आज अपन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने सब मित्रों को जोड़ने के लिए आप इस लिंक को अपने मित्रों के माध्यम से शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि सब मित्र है वो इस चीज़ का फ़ायदा ले पाए, सभी दोस्तों के पास में ये चीज़ पहुंच जाए, उन चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, जो जिस सोशल मीडिया को आप यूज़ कर रहे हैं उसके माध्यम से अपने साथियों तक इस लिंक को पहुँचाएँ, ताकि अन्य सब मित्रों का वो भला हो सके। तो सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः देवाराम देवासी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग। इससे पहले बलवीर पंवार लिख रहे हैं, वेलकम गुरुदेव। तो आप सब दोस्तों का भी बहुत बहुत स्वागत और सारे दोस्तों को गुड इवनिंग। और आज अपन इस सेशन में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो हनुमान जी कस्वा भी लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग हनुमान जी। इस क्लास में आज अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। तो ये जो क्लास है अपनी, जो आगामी जो भर्तियाँ हैं उन भर्तियों को देखते हुए, उन भर्तियों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखते हुए इसी संदर्भ में ये क्लास शुरू की गई है, ताकि सारे जो आपके मित्र हैं, जो भी प्रतियोगी हैं, उन सब दोस्तों के बराबर का फायदा हो सके। तो सब दोस्तों का एक बार पुनः स्वागत है। कई दोस्तों ने गुड इवनिंग का मैसेज लिखा है, तो सारे दोस्तों को एक साथ में गुड इवनिंग बोल लेता हूँ। तो मित्रों, आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। आज की जो क्लास है वो राजस्थान के इतिहास पर होगी अपनी। राजस्थान के इतिहास में अपन एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहले अपन इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद में मित्रों इतिहास के तीन भाग है। अगर इतिहास के तीन भागों की बात करें तो एक मित्रों प्राचीन काल आता है, इसके बाद में एक मध्यकाल का आता है, और इसके बाद में तीसरा जो काल आता है मित्रों, उस काल का आधुनिक काल। तो तीनों काल हमारे सिलेबस में है, पटवार का सिलेबस देखे तो उसमें तीनों काल दिए हुए हैं। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक राजस्थान का इतिहास, तीनों दिए हुए अपने। प्राचीन काल के टॉपिक की बात करें तो प्राचीन काल में एक टॉपिक पढ़ते हैं आप लोग, सभ्यताएं। सबसे पहले परिचय, इसके बाद में तीनों काल पढ़ेंगे अपन, कंटिन्यू अपनी क्लास रहेगी, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में सभ्यताएं पढ़ेंगे अपन, सभ्यताएं जिस प्रकार से आपके कालीबंगा सभ्यता है, विराट सभ्यता है, इसके अलावा आपके गणेश्वर सभ्यता है, बागुर सभ्यता है, बहुत सारी सभ्यताएं राजस्थान में हुई है, उन सभ्यताओं के बारे में मित्रों अपन पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक सभ्यताएं, इसके बाद में दूसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल में बेसिकली अपन उन टॉपिक को पढ़ेंगे। मध्यकाल को यूं कहें अपन, राजपूत काल की बात यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में शासन करने वाली जो मुख्य जाति थी, मुख्य रूप से जो जाति थी, उस जाति का नाम था राजपूत। तो राजपूतों के अनेक शाखाओं ने अपने यहाँ पर शासन किया, और इस कारण इस काल को राजपूत काल कहा गया मित्रों। इसमें कई सारे राजवंश आए, मुख्य रूप से अपन यूं कहें 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक का इतिहास अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार से गोहिल वंश है, जिस प्रकार से आपके मारवाड़ का, जोधपुर का राठौड़ वंश है, बीकानेर का राठौड़ वंश है, किशनगढ़ का राठौड़ वंश है, इसके अलावा आपके अजमेर का चौहान वंश है, सांबर के चौहान हैं, कई सारे चौहान वंश है। तो ये इसके अलावा भाटी वंश है जो शुरू में हनुमानगढ़ में आता है, बटनेर वाले क्षेत्र में, बाद में वो लोग जैसलमेर में रहने लग जाते हैं। इस प्रकार के कई सारे राजवंश जिनका संबंध राजपूत जाति से रहा, उन लोगों ने शासन किया, इस कारण इस काल को राजपूत काल के नाम से जाना गया मित्रों। तो राजपूत काल अपन मेडिवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, और आधुनिक राजस्थान जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इतिहास का, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 5 टॉपिकों का अध्ययन करने वाले मित्रों अपन। इस प्रकार से 1857 का विद्रोह है, इसके अलावा आपके किसानों का मूवमेंट, किसानों ने जो आंदोलन किया वो, इसके अलावा जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन जैसे अपन पढ़ते हैं बिलों का आंदोलन, मीणाओं का आंदोलन, ग्रासियों का आंदोलन, जो जनजातीय लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे सामाजिक सुधार के लिए, वो आंदोलन जनजातीय आंदोलन कहलाए मित्रों। इसके अलावा आपके प्रजामंडल आंदोलन, एक पढ़ते हैं अपन प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। इसके अलावा एक टॉपिक अपन पढ़ते हैं मित्रों, राजस्थान का एकीकरण।
तो ये समस्त जो टॉपिक है ना मित्रों, ये सारे के सारे किस काल में आते हैं? आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आते हैं। तो आधुनिक राजस्थान में अपन ये पांच टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मेडिवल में अपन पूरा राजपूत काल यानी सातवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी तक का इतिहास पढ़ेंगे, और प्राचीन काल में मित्रों अपन सभ्यताएं पढ़ेंगे। बहुत सारे मित्रों को कॉमेंट मैं देख पा रहा हूँ, मरुधरा टीवी की तरफ से गुड इवनिंग आया है, मीरा इंस्टीट्यूट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हैं। इसके अलावा प्रणाम गुरु जी लिख रहे हैं, सब दोस्तों को गुड इवनिंग, सारे दोस्तों को प्रणाम। उमेश जी लिख रहे हैं शानदार से, थैंक यू सो मच, सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े रहें, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहें, और ये जो अपन मैटर पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंटिन्यू अपनी क्लास रहेंगी। तो आप मीरा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर और मीरा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर हम लोगों से जुड़े रहें। इसके बाद में अपन सबसे पहले इस परिचय की बात करने वाले हैं। तो अपन परिचय पढ़ेंगे आज राजस्थान के इतिहास का, कि राजस्थान के इतिहास में परिचय में अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो आज अपन शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास का परिचय। तो आप कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइएगा और अपन शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास का परिचय। परिचय में अपन ये जानेंगे कि इतिहास है क्या, किसे इतिहास कहते हैं, इतिहास होता क्या है, ये सब बातें अपन राजस्थान के इतिहास के परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा के बारे में बता देंगे, इतिहास है क्या। इतिहास अतीत की घटनाएं हैं दोस्तों, अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज, यूं कहें अतीत, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, अतीत की घटनाएं, अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज, ध्यान रखना प्रमाणिक दस्तावेज इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है वो इतिहास कहलाता है मित्रों। थोड़ा सही लिख देता हूं मैं, अतीत की घटनाओं का प्रमाणिक दस्तावेज है वो इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल की जो घटनाएं हैं उस काल की जानकारी देने का जो साक्ष्य है, प्रमाणिक साक्ष्य है, जो प्रमाणिक दस्तावेज है वो इतिहास कहलाता है। अतीत का मतलब बीता हुआ समय, तो बीते हुए समय में कोई भी घटना घटी है उसका हमारे पास में एविडेंस है, प्रमाण है, तो वही क्या है, इतिहास है। इतिहास को प्रमाणित करने के मित्रों दो स्रोत होते हैं। कोई भी घटना उसको प्रमाणित करने के लिए हमें प्रूफ की जरूरत होती है, सोर्स की जरूरत होती है। इतिहास को प्रमाणित करने के मित्रों दो स्रोत है, एक है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य कह सकते हैं अपन, पुरातात्विक स्रोत मित्रों। दूसरा इसका प्रमाणित का स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत, जो लिखा हुआ मैटर है ना, साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास को प्रमाणित करने के दोस्तों दो स्रोत हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में किले, महल, बावड़ियां, प्रशस्तियां, जो राजा महाराजाओं के द्वारा लिखवाई गई, कोई प्रशस्ति लिखवा दी, कोई शिलालेख लिखवा दिया, तो ये सब चीजें किस में आएगी, पुरातात्विक स्रोतों में आएगी। साहित्यिक स्रोतों में राजा महाराजा के काल में कोई पुस्तक लिखी गई है, किसी लेखक के द्वारा कोई किताब लिखवाई गई है, या किसी राजा के द्वारा कोई पुस्तक लिखवाई गई है, या उस राजा के द्वारा, जैसे कई सारे राजाओं ने भी किताबें लिखी है, तो उस काल की जानकारी देती है। तो इतिहास में किसी राजा के बारे में पढ़ना हो तो उसकी किताब पढ़ लेंगे, उसके द्वारा करवाए गए निर्माण पढ़ लेंगे। जिस प्रकार से आपके मान लो कि राव सिया जोधपुर के एक शासक थे, अब राव सिया के बारे में कौन सा इतिहास में कौन सा ऐसा स्रोत है जो जानकारी देता है हमें, तो उसकी जगह अपन पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो एक शिलालेख है बिट्टू शिलालेख, बिट्टू शिलालेख पाली में मिला दोस्तों, उसमें राव सिया के बारे में जानकारी मिलती है कि राव सिया ने गायों की रक्षा के लिए आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, 9 अक्टूबर 1273 को लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगी, इस प्रकार की जानकारी वो एक शिलालेख से मिलती है। तो वो शिलालेख है वो किस प्रकार का स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। जिस प्रकार से कोई घटना हो गई, कोई लड़ाई लड़ी गई, कोई युद्ध लड़ा गया, ठीक है, युद्ध लड़ा गया और युद्ध लड़ने के कुछ दिनों बाद में वापस गए तो कुछ खून बहा हुआ था, कुछ तलवारों के अवशेष मिले, तो उस दृश्य को देखकर वहां पे आपके पूरे बड़े एरिया में, बड़े क्षेत्र में रक्त के निशान मिले, हथियारों के प्रमाण मिले, तो हमें ये देखकर अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई लड़ी गई होगी, और उसी लड़ाई के बारे में किसी अखबार में, किसी पत्रिका में या किसी आपके पुस्तक में अगर छाप दिया जाए तो वो पुस्तक है वो किस प्रकार का स्रोत हो गया, युद्ध का साहित्यिक स्रोत। और वहां पर जो शिलालेख मिला है या कुछ अवशेष और मिले, भौतिक अवशेष मिले हैं, वो किस प्रकार का स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत, यानी पुराने बचे हुए अवशेष है वो तो पुरातात्विक स्रोत, और उस समय लिखा हुआ जो साक्ष्य है ना वो किस प्रकार का स्रोत, साहित्यिक स्रोत। तो ये दो प्रकार के स्रोत होते हैं दोस्तों इतिहास को जानने के लिए। तो अतीत में घटित जो घटनाएं हैं उसको प्रमाणित करने का जो साक्ष्य है, जो दस्तावेज है, सॉरी, तो दस्तावेज है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास में प्रमाणिकता के दो स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत
और दूसरा साहित्यिक स्रोत। इसके बाद में साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। एक विद्वान है ई एच कार, ये अपने काम की तो नहीं है, फिर भी आपको मैं बता देता हूं, ई एच कार एक विद्वान है जिसका नाम है ई एच कार ने किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है इतिहास पर। इस पुस्तक का नाम है इतिहास क्या है। यह पुस्तक ई एच कार नामक एक विद्वान है उसके द्वारा लिखी गई, और ये पुस्तक आपको मार्केट में मिल भी जाएगी। इतिहास से संबंधित जो आपके शोध करने वाले जो विद्यार्थी है वो इस पुस्तक को पढ़ते भी हैं। तो इतिहास क्या है, ये पुस्तक लिखी गई ई एच कार के द्वारा। मित्रों इस किताब में इतिहास के एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी गई है, एक परिभाषा भी मैं बता देता हूँ इस ई एच कार के अनुसार। ई एच कार लिखते हैं अतीत और वर्तमान, अतीत का मतलब बीता हुआ समय, अतीत और वर्तमान के बीच की जो घटनाएं हैं, ठीक है, अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद इतिहास कहलाता है या इतिहास है। इस प्रकार की परिभाषा देते हैं ई एच कार कहते हैं अतीत मतलब बीता हुआ समय और वर्तमान के बीच में जो अनवरत संवाद चला है, अनवरत जो बातें चली है, इन दोनों के बीच के काल की जो अतीत मतलब बीते हुए समय और वर्तमान इन दोनों के बीच का जो संवाद है वो क्या इतिहास है। और ये बात कौन कहता है, ई एच कार कहता है मित्रों। तो ई एच कार ने इस प्रकार की परिभाषा दी इतिहास के संदर्भ में। इसके बाद में भी अपन और कर लेंगे इतिहास के बारे में। अगर इतिहास के शाब्दिक अर्थ की बात करें कि इतिहास शब्द का मतलब क्या होता है, तो मित्रों इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा के 3 शब्द मिले मित्रों, ठीक है, और उससे किसकी उत्पत्ति हुई, इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें एक है इति, इसे धन कहेंगे, कई लोग प्लस बोल देते हैं, लेकिन ये भाषा के अगर बात करें तो इसे धन ही कहा जाता है, प्लस को। इति धन है, धन आस, इन 3 शब्दों से, इन 3 धातुओं से मिलकर आपके ये इतिहास शब्द बना है मित्रों। और इसमें इति का मतलब होता है, इति धन है धन आस, इति का मतलब होता है निश्चित रूप से, इति का मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है, मतलब निश्चित रूप से कोई घटना घटी है, निश्चित रूप से अगर कोई घटना घटी है वो ही क्या है इतिहास है। तो इतिहास शब्द वो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन है धन आस, ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, इस शब्द का मतलब होता है निश्चित रूप से ऐसी घटना घटी है। इस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कोई कह दे कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ या नहीं हुआ, तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है, ये घटना रियल में हुई या नहीं हुई, तो इस घटना की हल्दी घाटी की निश्चित रूप से हमें जानकारी देना। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस में पढ़ा गया है, किस में आ गया, इतिहास में आ गया। अगर हल्दी घाटी युद्ध की हमारे पास में निश्चित जानकारी नहीं होती मित्रों, तो वो चीज किस में शामिल नहीं होती, इतिहास में शामिल नहीं होती, ठीक है। तो इति धन है धन आस शब्द से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस शब्द का मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी जिस घटना की निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है वही क्या है, इतिहास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इतिहास का जो पहला उल्लेख है मित्रों वो एक वेद में मिलता है, और उस वेद का नाम आपको पता ही है, उस वेद का नाम है अथर्ववेद। पूछ ले कि इतिहास शब्द का पहला उल्लेख है वो कहां पर किया गया है, तो मित्रों अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख किया गया है। ई एच कार इसकी परिभाषा भी देते हैं, बहुत सारे विद्वान देते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस परिभाषा है वो आपके ई एच कार की है, अतीत और वर्तमान के बीच के अनवरत संवाद को इतिहास कहते हैं, इस प्रकार की परिभाषा वो देते हैं। तो अथर्ववेद में पहली बार आपके इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है। इतिहास शब्द है वो 3 धातुओं से मिलकर बना है, इति धन है धन आस, यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं अपन इतिहास के बारे में और जानकारी लेते हैं। अब इतिहास शुरू किसने किया, सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन, इतिहास का जनक कौन है, क्योंकि पीछे में तो ये चीजें पड़ी जाती है कि इतिहास क्या है, इसको जन्मदाता कौन है, इसको जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है। तो एक यूनान का नागरिक था मित्रों, यूनान कह दो चाहे ग्रीक कह दो चाहे ग्रीस कह दो, एक ही बात है, यूनान को ग्रीक ग्रीस ये नाम यूनान के दिए जाते हैं। तो यूनान का एक व्यक्ति था, यूनानी एक नागरिक था जिसका नाम था हेरोडोटस। तो यूनानी नागरिक हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी दोस्तों, 5वीं सदी ईसा पूर्व, यूनान का व्यक्ति था, यूनानी भाषा आती थी इसको, 5वीं सदी ईसा पूर्व
मैंने यहां पर लिखा बीसी, ठीक है। बीसी का मतलब होता बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म से पहले जो भी घटना हुई है उसको इतिहास में बीसी के नाम से पढ़ा जाता है, और ईसा के जन्म के बाद में जो घटना हुई है उनको एडी के नाम से पढ़ा जाता है, ठीक है, एडी के नाम से। बीसी और एडी, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले। तो ईसा के जन्म से पहले एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था हेरोडोट्स। इन हेरोडोट्स के द्वारा, इस हेरोडोट्स के द्वारा आयोनिक भाषा में, वहां की यूनान की एक भाषा थी मित्रों जिसका नाम था आयोनिक, ठीक है, इस आयोनिक भाषा में एक पुस्तक लिखी गई, और उस पुस्तक का नाम था मित्रों हिस्टोरिका। उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। मित्रों ये इतिहास की, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहास पहली पुस्तक का नाम क्या है तो आपका जवाब क्या होगा, हिस्टोरिका होगा। तो हिस्टोरिका किस भाषा में लिखी गई, आयोनिक भाषा में लिखी गई, पांचवी सदी ईसा पूर्व में लिखी गई, और लिखने वाले विद्वान कौन थे, हेरोडोट्स से। तो इतिहास की पहली पुस्तक लिखने का काम किसने किया, हेरोडोट्स ने किया, और इसी कारण इतिहास का जनक किसे कहा जाता है मित्रों, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोट्स को। तो फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का जनक कौन हो गया, इतिहास का जनक हो गया हेरोडोट्स। बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं गुड इवनिंग, तो सारे दोस्तों को गुड इवनिंग, स्टडी विद आरजे सर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा गुरुजी, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने साथियों को भी जोड़ते रहें इसी प्रकार से। तो मित्रों अपन ने पढ़ा था इतिहास के जनक के बारे में कि इतिहास का जनक कौन है, तो इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहते हैं अपन। पांचवीं सदी ईसा पूर्व में इन्होंने किताब लिखी आयोनिक भाषा में, स्टोरी का जो इतिहास की पहली पुस्तक है, ये सब बातें अपन ने करी। इसके बाद में अपन भारत की बात करते हैं कि दुनिया में इतिहास की शुरुआत हो गई, दुनिया में पहली बार इतिहास शुरू करने वाला व्यक्ति पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद में अपन भारत की बात करते हैं साथियों कि भारत में इतिहास किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों भारत में इतिहास की शुरुआत की बात करते हैं अपन, तो भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, पूछ लेना कि भारतीय इतिहास कहां से शुरू हुआ था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत का इतिहास कहां से शुरू हुआ, तो सिंधु सभ्यता पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपन इतिहास में। तो भारतीय इतिहास की शुरुआत है वो मित्रों सिंधु सभ्यता से होती है, लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी पुस्तक में लिखी हुई जानकारी नहीं मिलती, ऐसा अपन कहीं से भी नहीं पढ़ते कि वहां से एक पुस्तक मिली है उस पुस्तक में ऐसा ऐसा लिखा गया है। वहां पर कई सारे मोहरे जरूर मिली है जिस पर लिखा हुआ भी मिला है, लेकिन उस लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। लिपि को पढ़ने का कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन इस लिपि को पढ़ नहीं पाए, मतलब वहां के इतिहास को अपन लिखा हुआ नहीं मान सकते। इसके बाद में पूछ ले कि लिखित भारतीय इतिहास की शुरुआत कहां से होती है, तो मित्रों लिखित भारतीय इतिहास अब किस काल से शुरू होता है, वैदिक काल से शुरू होता है, ठीक है, वैदिक एज से, वैदिक काल से लिखित भारतीय इतिहास शुरू होता है। और इस काल में क्या लिखे गए दोस्तों, वेद लिखे गए। वेद लिखे जाने के कारण इस काल का नाम क्या पड़ा, वैदिक काल पड़ा, और वैदिक काल में लिखे गए थे वेद। वेद चार है आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद है जो वैदिक काल की रचना है। वैदिक काल के दो भाग है, एक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार से वेद है और वेद वैदिक काल में लिखे गए। आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कहां से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि लिखित भारतीय इतिहास कब से शुरू हुआ, तो वैदिक काल से शुरू हुआ, और इस काल में सबसे पहले क्या लिखे गए, वेद लिखे गए, यानी भारतीय इतिहास के प्रथम लिखित ग्रंथ। भारतीय इतिहास के प्रथम लिखित ग्रंथ कौन से हैं दोस्तों, भारतीय इतिहास के प्रथम लिखित ग्रंथ है वो है वेद, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, अब वेद लिखे गए, अब वेदों को लिखने का काम एक नदी के किनारे किया गया, वेदों की जो लैंग्वेज उनको संकलित करने का काम है वो एक नदी के किनारे किया गया मित्रों। उसकी बात अपन कर लेते हैं, किस प्रकार से ये वेद रचना हुई, किस प्रकार से नहीं हुई, इसकी बात अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो भारतीय इतिहास के पहले लिखित ग्रंथ है वो वेद है। अब अपन बात करते हैं आगे वेदों की, फिर आपके भारतीय इतिहास के जनक के बारे में भी समझ में आ जाएगा, ये सारों को पता चल गया वह क्या है, सब दोस्तों को पता चल गया ना, कमेंट करके मुझे बताएं क्या क्या नजर आ रहा है आप दोस्तों को, ये अपना राजस्थान है मित्रों। इस राजस्थान में एक नदी बहती थी, आजकल उसके अवशेष बहते हैं, आजकल केवल उसके अवशेष मिले हैं, उसका
वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। उसके अवशेष बता रहे हैं कि यहाँ से ये नदी बहती थी, उसके अवशेष के रूप में आज गग्गर नदी मौजूद है। तो मित्रों बस उत्तरी राजस्थान में यहाँ से गंगानगर हनुमानगढ़ होते हुए एक नदी है, आज भी है, उस नदी का नाम है मित्रों गग्गर नदी। सुना है ना सारों ने। इस गग्गर नदी को दोस्तों प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? इस गग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानते थे। सरस्वती नदी कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान से बहती हुई पाकिस्तान चली जाती थी और बाद में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती थी। इसका प्रमाण आपके एक संस्थान ने दिया जो आपके जोधपुर में है, जिसका नाम है काजरी। तो काजरी संस्थान ने कहा कि ये पश्चिमी राजस्थान में ये नदी बहती थी, नदी का नाम है आजकल गग्गर, पहले बोलते थे सरस्वती। दोस्तों इस नदी के किनारे वेदों का संकलन किया गया, ठीक है। इस नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे, इस नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे और इस ऋषि का नाम था साथियों कृष्ण देपायन। एक ऋषि थे जिसका नाम क्या था? कृष्ण देपायन नामक एक ऋषि रहते थे और कृष्ण देपायन ने वेदों का संकलन किया। कृष्ण देपायन ने वेदों का संकलन किया, नदी के किनारे बैठे बैठे रहते थे, इनको लिखने का आपके इन बातों को ईश्वर की बातें थे, ईश्वर के जो संदेश थे उनका संकलन किया कृष्ण देपायन ने। और कृष्ण देपायन ने और संकलन करके वो पुस्तकें लिख दी और उन पुस्तकों को क्या कहा गया? वेद कहा गया। भगवान की बातों को ईश्वर के जो संदेश थे उनको किसमें संकलित कर दिया? वेदों में संकलित कर दिया। और वेदों में संकलित करने के बाद में अब क्या है कि लोगों ने अपने पहले वैदिक सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी मित्रों, वैदिक सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। और हम गांव के लोग हैं, नाम रखने में होशियार है, रंग को देखा अपन नाम रख देते हैं। जैसे किसी का रंग काला था अपने नाम क्या रख दिया? कालियो। हो तो उसी प्रकार से क्या कि वेद इस कृष्ण देपायन का नाम भी लोगों ने रख दिया, क्योंकि कृष्ण देपायन क्या करते थे? वेदों का संकलन करते थे, वेदों का संकलन करते थे, तो कृष्ण देपायन का भी नाम रख दिया। और जो लोग थे ना इनको क्या बोलने लगे मित्रों? वेद व्यास। कृष्ण देपायन है और कृष्ण देपायन ही क्या है? वेद व्यास है। तो वेद व्यास या कृष्ण देपायन एक ही है और इन्हीं के द्वारा वेदों की बातों का संकलन किया गया था। यानी वेदों का संकलन करता कौन हो गया? वेद व्यास हो गया। किया कहां पर गया? सरस्वती नदी के किनारे। अब होता क्या है कि इस बातें तो पूछ का सारी इकट्ठी कर ली ऋषि ने, कृष्ण देपायन ने, लेकिन इन बातों को इन्होंने सोचा मैं लिखवा लेता हूं। अब लिखवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एक टाइपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मित्रों दशरथ सुतार लिख रहे हैं, गुड इवनिंग सर जी, तो गुड इवनिंग आपको भी। और रमेश जी लिख रहे हैं गुड इवनिंग, तो आपको भी गुड इवनिंग। दशरथ जी लिख रहे हैं बहुत अच्छा सर जी, आप मित्र जुड़े रहे, आप हम सब पूरी टीम मिलकर आपके लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहें और खुद भी जुड़े रहें। तो अब होता क्या है कि अब बातें तो खूब सारी इकट्ठी कर ली, अब इसको टाइप करवाना पड़ेगा। टाइप करवाने के लिए एक टाइपिस्ट की यानी लिपिक की जरूरत पड़ेगी। अब कृष्ण देपायन ने एक लिपिक को बुलाया अभी, ठीक है, एक टाइपिस्ट को बुलाया और उस टाइपिस्ट का नाम था गणेश। आजकल जैसे अपन गणेश जी कहते हैं ना, अपन वही गणेश थे टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट को बुला लिया गणेश जी ने, कहा कि मुझे तो लड्डुओं की जरूरत है। कृष्ण देपायन यानी कृष्ण जी ने कहा कि आपको लड्डू उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, लेकिन आप तो हमारे टाइपिंग का काम करो। इसके बाद में गणेश जी बोले तैयार हो गए, क्योंकि गणेश जी को क्या खाने थे? लड्डू खाने थे, क्योंकि लड्डू का भोग लगाते ना गणेश जी के, अपन लड्डू खूब खाते थे गणेश जी, तभी तो पेट बड़ा हो गया उनका गणेश जी का। क्योंकि कई कई बार क्या है कि दूसरे लोग है वो डालडा का भी चढ़ा जाते हैं, जो वनस्पति घी होता है ना उसका भी चढ़ाते हैं, उससे क्या है कि गणेश जी की एसिडिटी खूब रहने लगी, पेट बड़ा हो गया गणेश जी का, देखते हैं ना अपन लोग फोटो में। तो गणेश जी को बुला लिया साथियों, गणेश जी को नदी के किनारे बैठ गए, खुद भी बैठ गए अपनी वहां पे झोपड़ी में, और कृष्ण जी बोलते गए, गणेश जी लड्डू खाते गए, एक कलम से लिखते गए। और इस प्रकार से एक मान्यता है कि वेदों का जो लिपिक है वो कौन है मित्रों? वो है गणेश जी, ठीक है। तो वेदों का लिपिक तो गणेश जी को माना जाता है, वेदों का संकलन करता कैसे माना जाता है? कृष्ण देपायन यानी वेद व्यास जी को माना जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने वेदों का संकलन किया और भारत में पहली बार इस प्रकार का काम किसने किया बताओ? कृष्ण देपायन ने किया। यानी भारत में पहली बार लिखने वाले व्यक्ति कौन हो गए? कृष्ण देपायन हो गए। तो भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं अपन? फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कमेंट करके मुझे बताएं भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार लिखने वाला संकलन करने का काम किसने किया? कृष्ण देपायन ने। यानी भारतीय इतिहास का जनक या पिता कौन है? कृष्ण देपायन या वेद व्यास जी है। इसके बाद में कृष्ण जी यहां पर रहते थे पहले तो नदी के किनारे, अब नदी के बाद में ये यहां से उठे मित्रों और नदी के किनारे से उठकर ये आ गए आपके एक झील के किनारे, यहां से रवानगी करी
और यहाँ पर राजस्थान में एक बीच में राजस्थान का हरदे एक जिला है, वहां पर एक झील है, वहां पर आ गए मित्रों। और इस झील का नाम है, यहाँ पर एक झील है, इस झील का नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील को पवित्र माना जाता है, सबको ही पता है राजस्थान की सबसे पवित्र झील की बात करें ना तो पुष्कर झील है। और प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील है ना, वो भी पुष्कर झील है। पूछ लेना प्राकृतिक जो झील है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो अभी आंसर क्या होगा, पुष्कर झील। पहले तो नदी के किनारे रहते थे और अब कहां पर आके बैठ गए, पुष्कर झील के किनारे आके बैठ गए मित्रों। और पुष्कर झील के किनारे आने के बाद में यहां पर अब इनको लिखने पढ़ने का शौक हो गया, बहुत पढ़ेसरी हो गए, बहुत खतरनाक कृष्ण देपायन यानी वेद व्यास जी। अब पुष्कर झील के किनारे आने के बाद में इन्होंने एक रचना और लिखनी शुरू कर दी, और इन्होंने यहां पर बैठे बैठे मित्रों 8,800 श्लोक लिखे, 8,800 श्लोक लिख दिए ऋषि ने। और लिखने के बाद में इस किताब का नाम रखा गया जय संहिता। क्या नाम रखा गया, जय संहिता नाम रखा गया मित्रों। और इसी जय संहिता में बढ़कर वर्तमान में श्लोकों की संख्या हो गई है 1,00,000। कितने श्लोक हो गए, 1,00,000 श्लोक हो गए। और इस 1,00,000 श्लोकों की किताब को आजकल कहा जाता है मित्रों महाभारत। तो महाभारत जो रचना है ना वो किसके द्वारा रची गई, इसकी रचनाकार कौन है, कृष्ण देपायन। यानी महाभारत भी, महाभारत के लेखक भी आपके कौन है, कृष्ण देपायन यानी वेदव्यास है। और वेदों के संकलनकर्ता भी कौन है, वेदों के संकलनकर्ता भी कौन है, वेदव्यास यानी कृष्ण देपायन है। तो भारत में पहली बार लिखने का काम है वो कृष्ण देपायन ने किया, इसी कारण भारतीय इतिहास का जनक या पिता है वो कृष्ण देपायन को कहा जाता है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मित्रों विश्व में इतिहास किसने शुरू किया, तो यूनान के व्यक्ति थे कृष्ण देव, आपके हेरोडोट्स, उन्होंने शुरू किया था। भारत में भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं, कृष्ण देपायन या वेदव्यास जी को कहते हैं। इसके बाद में अपन राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करते हैं मित्रों कि राजस्थान के इतिहास को शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया। आज अपन राजस्थान के इतिहास के जनक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन तो यही है अपना, राजस्थान के इतिहास का जनक, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो सारे दोस्तों को साथ में नमस्कार और सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। और जो एक आया है कॉन्स्टेबल की एग्जाम की संभावित डेट है वो आपके पास में कमेंट करके बता देंगे। राजस्थान के इतिहास अपना मेन जो टॉपिक है वो राजस्थान के इतिहास पे फोकस करना है। अपने दुनिया के इतिहास का जनक पढ़ा, भारत के इतिहास का जनक पढ़ा, और इसके बाद में राजस्थान के इतिहास का जनक अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का जनक या यू कहे अपन है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, आप बताएं मुझे कमेंट करके कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं, कमेंट करके बताएं फटाफट। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, जो लोग मित्र देख रहे हैं वो मुझे ये बताएं कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, फटाफट बताएं। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएं। तब तक मैं आपके लिए एक मैप बनाता हूं, जो पहले बनाया था वैसा का वैसा ही। फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं सारे मित्र। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं, राजस्थान के इतिहास के जनक की बात करें मित्रों तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है एक अंग्रेज व्यक्ति को, राजस्थान का नहीं है, एक अंग्रेज व्यक्ति है मित्रों। जैसे अजय सिंह जी कमेंट लिख रहे हैं जेम्स टोड, तो जेम्स टोड आपका आंसर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान के इतिहास का जनक मित्रों कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है मित्रों, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान का इतिहास लिखने वाले, पूरा इतिहास लिखने वाले, पूरे राजस्थान का इतिहास वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने वाले, क्रमबद्ध रूप से लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड को अपन राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं मित्रों। कर्नल टोड राजस्थान के नहीं थे, ये मूलतः कहां के रहने वाले थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कर्नल टोड मूलतः कहां के निवासी थे, राजस्थान के इतिहास का जो जनक है कर्नल जेम्स टोड वो मूलतः कहां के रहने वाले थे, तो मित्रों राजस्थान के इतिहास का जो जनक है वो
कर्नल जेम्स टॉड मूलतः स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, अपने भारत के नहीं थे, मूलतः कहाँ के निवासी थे ये, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो स्कॉटलैंड के निवासी थे कर्नल जेम्स टॉड और राजस्थान में आते हैं। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है कि सैनिकों की भर्ती करती थी, भारत में सैनिक भर्ती का काम है ना, वो जब भारत अंग्रेजों के अधीन था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता था। तो कर्नल टॉड का थोड़ा सा परिचय पढ़ लेते हैं अपन। कर्नल टॉड का जन्म है वो 20 मार्च 1782 को हुआ था। 20 मार्च 1782 को लंदन में एक जगह है इस्लिंगटन, इस्लिंगटन नामक जगह पर 20 मार्च 1782 को कर्नल टॉड का जन्म होता है मित्रों। इसके पिता का नाम था जेम्स, पिता कौन थे, जेम्स। इसकी मां का नाम था कर्नल टॉड की हेडली, या मैरी हेडली भी कई जगह आपको मिल जाएगा, हेडली या मैरी हेडली, और इनके पिता का नाम था जेम्स, ठीक है। और इसी जेम्स के नाम पर इन्होंने अपना नाम रखा कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। तो हेडली माता का नाम, जेम्स इनके पिता का नाम, और इनकी एक पत्नी थी मित्रों, ठीक है। और इस पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबक, जूलिया एडली और जेम्स के पुत्र थे कौन, कर्नल टॉड। और मूलतः भारत के रहने वाले नहीं थे दोस्तों, ये कहां के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो स्कॉटलैंड के निवासी जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, तो वो व्यक्ति कौन थे, कर्नल टॉड थे। अब कर्नल टॉड की शुरू में रुचि थी, अब अपनी रुचि है सारों की किसी की पढ़ने में, किसी की चैटिंग करने में, किसी की कुछ करने में, किसी कुछ करने में। तो आवाज कट कट के आ रही है, ऐसा कुछ कमेंट आ रहा है, आवाज को थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि वो थोड़ा आवाज को देखे, थोड़ा कोई इश्यू हो सकता है, अभी तो सही आ रही है यहाँ पे, तो हो सकता है आपके थोड़ा सा कोई होगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा आप एक बार इसको, काट के वापस चालू कर लीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आपके आवाज, आपके पास में जो आवाज है वो क्लियर पहुंच पाए। कई बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है मित्रों, तो इस वजह से आवाज नहीं आ पाती। तो मित्रों अब क्या होता है कि कर्नल टॉड के शौक थे, अपने भी शौक, अपने अपने, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, उसी प्रकार से कर्नल टॉड के भी शौक थे। कर्नल टॉड पढ़ाई करने के बाद में अपना कैरियर बनाने के लिए सेना में जाने जाते थे, ठीक है, सेना में जाने जाते थे। तो मित्रों सेना में जाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने सेना में फॉर्म अप्लाई किया, आर्मी में अप्लाई किया, और इसके बाद में 1800 में कर्नल टॉड है वो सेना में भर्ती हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हो गए। और इसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग दी गई मित्रों दिल्ली में, भारत में पहली बार ये पुरानी दिल्ली में आए थे, और पुरानी दिल्ली में इनको आपके नौकरी मिल गई, ज्वाइनिंग मिल गई 1800 में। इसके बाद में क्या होता है कि 1806 में किसी अधिकारी के साथ में, जून 1806 की बात है मित्रों, जून 1806 में किसी अधिकारी के साथ में राजस्थान के एक राज्य में आते हैं, और उस राज्य का नाम था मेवाड़, यानी वर्तमान का क्या है, उदयपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी भी पेपर में कि कर्नल जेम्स टॉड पहली बार राजस्थान के किस राज्य में आए, तो आपका आंसर क्या होगा, मेवाड़ राज्य यानी उदयपुर। उदयपुर राज्य में पहली बार 1806 में कर्नल टॉड आते हैं, 1806 में जून के महीने में, वो गर्मी थी। और राजस्थान के बारे में है जहां पर मुंड कटे रुंड लड़े, मतलब इस प्रकार के वीर पैदा हुए हैं यहाँ पर कि सिर कट गया लेकिन फिर भी लड़ते रहे, इस प्रकार के कई वीर अपने राजस्थान में हुए। तो इस बात से ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए मित्रों कर्नल टॉड। इसके बाद में क्या होता है कि आगे उदयपुर में आ गए, आगे की बात अपन और करते हैं। उदयपुर में आने के बाद में ये वापस चले गए उसी अधिकारी के साथ में। इसके बाद में इनका प्रमोशन हो गया मित्रों, इनका प्रमोशन हो गया 1817 में। पहले तो सामान्य सैनिक थे, और प्रमोशन होने के बाद में इनको बढ़ा दिएगा, मतलब पीए बना दिएगा, क्या बना दिएगा, पीए, और पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट मित्रों, पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया 1817 में कर्नल टॉड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए बना दिया गया, और पीए भी किस प्रदेश का बनाया गया, मेवाड़ का बनाया गया, और साथ में इसको कहां का काम सौंप दिया गया, हाड़ौती का। ये प्रश्न आपके पहले ग्राम सेवक की भर्ती में पूछा गया है कि कर्नल टॉड कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। कई बार अपन क्या कि मेवाड़ का नाम याद रखते हैं, मेवाड़ रेजिडेंसी, ठीक है, मेवाड़ रेजिडेंसी को दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी कहते हैं, मेवाड़ रेजिडेंसी कह दो, दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी कह दो,
क्योंकि ये बेल्ट है ना, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये अपना राजस्थान है, थोड़ा समझना इसको, इसके दक्षिणी पश्चिमी राजपन रेजिडेंसी क्यों कहते हैं। यहां पर मित्रों मेवाड़ है, ये मेवाड़ वाला इलाका है, तो मेवाड़ वाला जो इलाका है ना, ये मेवाड़ वाला बोलो यहां पर दक्षिण है और यहां पर पश्चिम है, न तो मित्रों ये पूरा दक्षिण में पड़ता न पश्चिम में पड़ता। इस कारण मित्रों इस प्रदेश की इस रेजिडेंसी को क्या कहा गया, दक्षिणी पश्चिमी राजपुताना रेजिडेंसी, दक्षिणी पश्चिमी राजपुताना रेजिडेंसी का पॉलिटिकल एजेंट किसको बना दिया गया, कर्नल टोड को बना दिया गया 1817 ईस्वी में। यानी कर्नल टोड 1817 ईस्वी में कहां पर आ गए, अपने राजस्थान में वापस से आ गए, लेकिन सबसे पहले कहां पर आए 1816 ईस्वी में, उदयपुर में आए। यहां पर आगे भी पहले भी उदयपुर में आए, फिर अब भी कहां का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, मेवाड़ का, साथ में कहां का काम सौंप दिया गया इनको, कहां हाड़ौती का, तो मेवाड़ और हाड़ौती प्रदेश के पॉलिटिकल एजेंट बना दिए गए। ये प्रश्न ग्राम सेवक के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद में इनको सरकार की तरफ से घोड़ा दिया गया, क्योंकि जो अधिकारी बनता है आजकल उसको गाड़ी देते हैं, तो कर्नल टोड को अधिकारी बनाने के बाद में क्या दे दिया गया, घोड़ा दे दिया गया कर्नल टोड को। अब कर्नल टोड क्या करते, काम वाम नहीं करते, कर्नल टोड की रुचि थी पुरानी चीजों को देखने में, पुराने सिक्के पुरानी किताबें पढ़ना और आपके पुराने शिलालेखों के बारे में जानकारी लेना, इस प्रकार की क्या है कि कर्नल टोड की इंटरेस्ट था, क्योंकि जॉब तो मिल गया इनको, अब दूसरा इंटरेस्ट पूरा करना था इनको, तो कर्नल टोड को यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया। कर्नल टोड यहाँ पर आ गए, अब इनको घोड़ा दे दिया गया, इनको आवास दे दिया गया। अब आने के बाद में क्या होता है कि कर्नल टोड घोड़ा लेकर कभी कहीं निकल जाते, कभी कहीं निकल जाते, कभी इधर उधर इलाकों में घूमते रहते थे। कर्नल टोड गए एक बार मांडलगढ़, कर्नल टोड कहां गए एक बार, मांडलगढ़ गए मित्रों, और मांडलगढ़ आपको पता है कहां पड़ता है, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ गए कर्नल टोड, एक बार जाते हैं मांडलगढ़, और मांडलगढ़ में जैन धर्म के एक गुरु थे मित्रों, उनसे बात होती है, और उनका नाम था यति ज्ञानचंद्र, जैन धर्म के एक गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र या यति ज्ञानचंद्र से कर्नल टोड की मुलाकात होती है मांडलगढ़ में, और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई ज्ञानचंद्र जी ने, या ज्ञानचंद्र जी ने कर्नल टोड को, कि मांडलगढ़ के निवासी थे, यहां पर गए तो इनकी मुलाकात होती है, अच्छी बातें बताने के कारण कर्नल टोड इनसे प्रभावित हुए कि ये आदमी तो बड़ा ज्ञानी है, और इस ज्ञानी आदमी ने इसको ज्ञान दिया, और ज्ञान देने वाला होता कौन है, ज्ञान देने वाला कौन होता है, ज्ञान देने वाला होता है गुरु, यानी कर्नल टोड ने अपना गुरु किसको बना लिया, ज्ञानचंद या ज्ञानचंद्र को बना लिया। ये प्रश्न पिछले आपके 2016 में रीट हुई थी ना पहली बार, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, इसकी एक किताब थी उसके बारे में पूछा गया, कर्नल टोड ने पुस्तक किसको समर्पित की, तो कर्नल टोड ने अपनी जो पहली पुस्तक थी ना वो अपने गुरु को समर्पित की थी, जिसका नाम क्या था, ज्ञानचंद या ज्ञानचंद्र, जो कहां के निवासी थे, मांडलगढ़ के निवासी थे। अब क्या था, कभी मांडलगढ़ चले गए, कभी चित्तौड़गढ़ चले गए, एक बार ये चित्तौड़गढ़ भी गई, बाहर निकला हुआ भाग है ना, ये भैंस रोडगढ़ है चित्तौड़गढ़, ठीक है, एक बार ये मित्र चित्तौड़गढ़ भी गए थे, चित्तौड़गढ़ भी कर्नल टोड जाते हैं चित्तौड़गढ़, कभी कहीं कभी कहीं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। अब कर्नल टोड पतला सा आदमी था, हाइट खूब थी कर्नल टोड की, एकदम गोरा, क्योंकि अंग्रेज लोग तो क्या होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कर्नल टोड अंग्रेजी में बोलते थे, और अपने वाले तो मेवाड़ी लोग मेवाड़ी भाषा बोलते थे, हाँ को नाम का ही है। अब इस इलाके में भील बहुत ज्यादा है, आपको ही पता है। अब क्या है कि ऐसे लोग कर्नल टोड को देखने के लिए वहां पर आए थे, कि इतना गोरा आदमी, इतना पतला सा आदमी, इतना लंबा आदमी, तो इस प्रकार की बात थी कि तो इनकी विशेषताओं को देखने के लिए, कर्नल टोड है कैसा, कि घोड़े पर बैठ के आता है, बोलता कैसे ही है, उनकी विशेषताएं थी इस प्रकार की। तो कर्नल टोड के आसपास में जो लोग रहते, जहां पर भी जाता था, वो कर्नल टोड के पास में आ जाते वो लोग। अब कर्नल टोड से पूछते कि आपका नाम क्या है, ताको नाम का ही है, वो मेवाड़ी में बोलते थे वो लोग। अब कर्नल टोड के कुछ समझ में नहीं आया। अब कर्नल टोड पूछता उन लोगों से कि योर नेम, योर विलेज, अपने को अंग्रेजी में, अपन शुरू से तंग है, दुखी है अंग्रेजी से, तो अपने वालों को अंग्रेजी नहीं आई, और कर्नल टोड को ये मेवाड़ी भाषा समझ में नहीं आई। अब क्या होता है कि अब गांव के लोग थे, वो भील इलाका था इधर, गांव वाले ने नाम रख दिया, क्योंकि नाम रखने में तो अपन होशियारी है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, रंग को देखकर अपन नाम रख देते हैं। अब क्या होता है कि नाम रख दिया, नाम घोड़े के आधार पे रखा, क्योंकि कर्नल टोड किस पर बैठ के आता था, घोड़े पर बैठ कर आता था, तो उन लोगों ने नाम रख दिया कर्नल टोड का, क्या नाम रखा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा।
ये BSTCA के 2012 के पेपर में पूछा गया था मित्रों कि घोड़े वाले बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है। BSTCA 2012 का ये प्रश्न है, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से। तो मित्रों घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल टोड को कहते हैं। तो ये नाम इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा रखा गया। एक बार मंडलगढ़ गए, वहां पर इन्होंने अपना गुरु बना लिया ज्ञानचंद्र जी को। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ गए, एक बार चित्तौड़गढ़ में एक झील के किनारे गए मित्रों, और उस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, इस मानसरोवर झील के किनारे जाते हैं दोस्तों। मानसरोवर झील के किनारे गए, यहां पर एक लगा हुआ शिलालेख, क्योंकि कर्नल टोड की रुचि थी, कर्नल टोड की रुचि थी शिलालेखों में, सिक्कों में, पुरानी किताबों में, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने में खूब इंटरेस्टेड थे। तो अब क्या है कि कर्नल टोड उस झील के किनारे एक शिलालेख को देखते हैं। वो एक शिला, एक राजा थे जिसका नाम था मान, मौर्य वंश के एक राजा हुए मित्रों, जिसका नाम था मान। और मान मौर्य राजा का एक शिलालेख लगा हुआ था, और इस शिलालेख का नाम भी क्या है? मान मौर्य शिलालेख। मान मौर्य शिलालेख को कर्नल टोड ने देखा। कर्नल टोड ने सोचा कि इसमें तो काम की चीजें लिखी हुई है, मेवाड़ के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। तो कर्नल टोड ने इस शिलालेख को यहां से उठाया और अपने घोड़े पे रखकर कहां पर ले आए? अपने ऑफिस में ले आए। इनका ऑफिस उदयपुर में था। पहले इनका ऑफिस नीमच में देखा गया, पहले इनका ऑफिस नीमच में था, लेकिन बाद में इनका ऑफिस है वो कहां पर कर दिया गया? उदयपुर में कर दिया गया। तो मानमुरी शिलालेख को अपने ऑफिस में ला के रख दिया। इस प्रकार से कई शिलालेख, कई पत्रिकाएं, ठीक है, तो ये सारी चीजें कर्नल टोड ने अपने यहां पर इकट्ठी कर ली। ऑफिस पर गया भी, कर्नल टोड कोई काम नहीं करते, कर्नल टोड कोई काम नहीं करता, बैठा रहता, पुराने शिलालेख, पुराने पत्र पत्रिकाएं खोजता रहता था, देखता रहता था, बस ऑफिस में इधर उधर घूमता रहता था, लोगों के बीच में कोई मतलब नहीं काम से। सरकार ने एक दो बार पूछा भी इनसे, काम वाम क्यों नहीं कर रहा भाई? कोई जवाब ही नहीं देता है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था इनको। इसके बाद में एक कमेंट आया, जेम्स टोड ने अपनी फर्स्ट पुस्तक किसको समर्पित की, ऐसा प्रश्न था वो। गोपी जांगू लिख रहे हैं मित्रों, अभी इसका जवाब आपके जस्ट सामने आ जाएगा, पूरी कहानी आप सुनिएगा, और इसके बाद में राजस्थान इतिहास का जो परिचय का कोई भी प्रश्न आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में क्या है कि अपना बहुत सारी चीजें इन्होंने इकट्ठी कर ली, और सरकार इनको पत्र लिख दी कि जवाब दे भी, काम क्यों नहीं कर रहा तू? अब जवाब देता नहीं है। अब 1817 में कर्नल टोड बीमार पड़ गए भी, सॉरी 1821 ईस्वी में, 1817 में तो आए थे अपने राजस्थान में, 1817 में आए, और 1821 ईस्वी की बात है मित्रों, 1821 में कर्नल टोड पड़ गए बीमार, बीमार हो गए कर्नल टोड। सरकार को कहा कि मेरा इलाज करवाया जाए, तो सरकार ने कहा कि इलाज क्यों करवाएं भी, तू काम तो करता ही नहीं है, काम नहीं करता तो इलाज कैसे करवाएं भी। अब क्या है कि 1821 में बीमार पड़े, तो फिर बाद में सरकार ने कहा कि आप बीमार हो गए, काम करते नहीं हो, और तो आप वापस चले जाओ, ठीक है। इसके बाद में 1822 ईस्वी में कर्नल टोड वापस चले गए। मतलब कर्नल टोड राजस्थान में कब से कब तक रहे मित्रों? 1817 से लेकर 1822 तक रहे। राजस्थान में इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1817 ईस्वी से लेकर 1822 ईस्वी तक। तो 1821 में बीमार पड़े, और 1822 ईस्वी में इनका एक सहायक था भी, जिसका नाम था कर्नल वोग, ठीक है, वोग सहायक एजेंट था, सहायक एजेंट, सहायक एजेंट था कर्नल टोड का। तो सहायक एजेंट को, कर्नल वोग को अपना कार्यभार सौंपा, और सौंप कर वापस कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। इनके इतिहास में इतनी ज्यादा रुचि थी मित्रों कि जब ये जा रहे थे ना, तो जो ब्राह्मण थे, जो इतिहासकार थे मेवाड़ के, उनको बोला कि आप मेरे को पालकी भी सुला लो और आप इतिहास पढ़ते रहो। तो इनकी पालकी उठा ली गई, और छोड़ने के लिए जब विदाई दे रहे थे कर्नल टोड को तब, तो और साथ में ब्राह्मण जो इतिहासकार थे वो लोग इतिहास को पढ़ते रहे और कर्नल टोड सुनते गए। तो इतने ज्यादा इंटरेस्टेड थे कर्नल टोड इतिहास को सुनने में, इतिहास को पढ़ने में, इतिहास को लिखने में। अब होता क्या है कि वो को इन्होंने कार्यभार सौंपा, और इसके बाद में ये चले गए इंग्लैंड। इंग्लैंड गए तो सारा सारा सामान, शिलालेख, पत्र पत्रिकाएं, वो सब है, वो इन्होंने डाल ली। डालने के बाद में क्या है कि जैसे ही बंदरगाह पर पहुंचे, इन्होंने अपना सामान है वो जहाज के अंदर लाद लिया, डाल लिया, मतलब जहाज के अंदर सामान भर लिया सारा का सारा। अब वो जहाज वाले आए, बोले यार इसमें क्या लेकर आए तूने? पूरी जहाज को भर दिया यार, थैले थैले कर रखे हैं, थैले थैले कर रखे हैं। अब उन्होंने कहा कि यार इसमें है क्या? तो एक दो ने देखा, वो जहाज वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि इसमें तो पत्थर डाल रखे, उन्होंने क्या क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रहा। इसके बाद में जहाज वाले नाराज हो गए, बोले यार तू आदमियों को बैठने दे ही नहीं रहा, सब कुछ तूने डाल लिया। कर्नल टोड को, जहाज का कैप्टन था, वो आके बोला कि या तो इस सामान को उतार दे यहाँ से, फेंक दे, और नहीं तो हम तेरे को उठा के फेंक देंगे। इसके बाद में कर्नल टोड ने सोचा कि मेरे को उठा के फेंके, बीमार तो आ गई हूँ मैं, समुद्र हो रहा है यहाँ पर, क्या करें अब, ठीक है। कर्नल टोड को जैसे ही वार्निंग दी उठा के फेंक देंगे,
अब आपको घरवाले कई बार बोलते हैं कि तू पढ़ ले, नहीं तो तेरे को काम लगा देंगे फैक्ट्री में। तब अपन उसी टाइम किताब उठा लेते हैं। वही काम किसने किया? कर्नल टोड ने किया। कर्नल टोड ने वहां से एक थैला उठाया, बड़ा सारा भारी सा थैला उठाया, ठीक है। उस थैले में कौन सा शिलालेख था मित्रों? उस थैले में मानमुरी शिलालेख था। उस थैले में कौन सा शिलालेख था? मानमुरी शिलालेख, जो कहां से लेकर आया? चित्तौड़गढ़ की मानसरोवर झील के किनारे से लेकर आया था। और इस शिलालेख को उठाया और कहां पर फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। ये प्रश्न भी आरएस के 2010 के पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया मित्रों कि कौन सा शिलालेख अधिक वजनी होने के कारण, अधिक वजनी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया गया कर्नल टोड के द्वारा वापस जाते समय? तो वो शिलालेख कौन सा है? मानमुरी शिलालेख है। इस शिलालेख का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया। अब 1822 में कहां चले गए? वापस चले गए। 1817 में आए और 22 में वापस चले गए। अब आगे बात करते हैं, वापस जाने के बाद में इन्होंने क्या किया? जितने भी यहां से शिलालेख वगैरह लेकर गए थे ना मित्रों, वो सब पढ़े, सबका अध्ययन किया और इन्होंने 1829 में पहली पुस्तक प्रकाशित की। मित्रों कर्नल टोड की पहली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1829 ईस्वी में हुआ। और 1829 ईस्वी में जो पहली पुस्तक प्रकाशित की गई, उस पुस्तक का नाम था दी एनाल्स, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक जो किताब है ना, कर्नल टोड की पहली पुस्तक का नाम है। एक मित्र ने थोड़ी देर पहले पूछा भी था कि सर कर्नल टोड की पहली किताब को नाम क्यों? तो मित्रों पहली पुस्तक का नाम है ना, वो क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस प्रकार की किताब है वो कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई। और इस पुस्तक का प्रकाशन मित्रों 1829 ईस्वी में हुआ, ठीक है। ये पहली पुस्तक थी। और इस पुस्तक में मित्रों राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा की इन्होंने, पूरा विवरण इन्होंने दिया। यानी राजस्थान के इतिहास पर विस्तृत रूप से लिखने वाले, क्रमबद्ध रूप से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? कर्नल टोड थे। इसी कारण कर्नल टोड को अपन क्या कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का जनक या राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। मित्रों ये पुस्तक दो भागों में प्रकाशित हुई। सेकंड ग्रेड 2014 का जो पेपर था ना, उसमें प्रश्न पूछा गया, प्रश्न पूछा गया था कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम क्या है। तो पहली किताब थी 1829 ईस्वी में इंग्लैंड प्रकाशित की गई। और मित्रों इस पुस्तक का संपादक था वो कर्नल टोड का शिष्य था। इस पुस्तक के संपादक कौन थे? कर्नल टोड के शिष्य थे। और इस शिष्य का नाम था विलियम क्रुक। क्या नाम था? विलियम क्रुक। तो गुरु का नाम बताओ क्या था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, मित्र है वो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कर्नल टोड के गुरु का नाम क्या था। थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की ना, शिष्य थे कर्नल विलियम क्रुक। तो कर्नल टोड के शिष्य विलियम क्रुक ने इस पुस्तक का संपादन किया। कर्नल टोड इस पुस्तक के लेखक थे। और कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक है वो किसको समर्पित की मित्रों? अपने गुरु को समर्पित की। और ये प्रश्न आपके रीट में पूछा गया था, ये प्रश्न रीट में पूछा गया था कि कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक है वो किसको समर्पित की, किसको समर्पित की? तो ये प्रश्न का जवाब था कर्नल टोड ने अपने गुरु, इनका नाम क्या था? ज्ञानचंद या ज्ञानचंद्र। इस ज्ञानचंद्र जी को, जो कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? जो मंडलगढ़ के रहने वाले थे। और मंडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा के ऋषि ज्ञानचंद्र को इन्होंने अपनी पुस्तक समर्पित की, जिसका नाम क्या था? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बिल्कुल यदि ज्ञानचंद्र जिस प्रकार से रवि बाना लिख रहे हैं, पीके मांजू लिख रहे हैं, रुक्मणा राम लिख रहे हैं, बिल्कुल सारे मित्रों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद में इसका जो दूसरा प्रकाशन है मित्रों, इसका इसका जो दूसरा भाग है वो 1832 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। 1829 में पहला भाग प्रकाशित कर दिया गया। इसके बाद में 1832 में मित्रों इसका दूसरा भाग प्रकाशित किया गया। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया, पूछा गया था कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम पूछा गया। और इसका दूसरा भाग है ये, ठीक है। इसका दूसरा भाग है द हिस्ट्री ऑफ, इसका पूरा नाम है द हिस्ट्री ऑफ, इसके दूसरे भाग का नाम जो 1832 में प्रकाशित हुआ, द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये इसी पुस्तक का अन्य नाम कह दो, इस पुस्तक का दूसरा भाग कह दो। और इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1832
32 ईस्वी में हुआ मित्रों, तो द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया 1832 ईस्वी में प्रकाशित होती है मित्रों, और पहली पुस्तक है वो 1829 में प्रकाशित होती है। तो रीट में आपसे प्रश्न पूछा गया मित्रों, और यही पूछा गया था कि इस पुस्तक का जो समर्पण है वो किसको किया गया था, अपने गुरु ज्ञान चंद्र को समर्पित की गई। इसके बाद में 1835 की बात है, नवंबर 1835 ईस्वी, नवंबर 1835 में मित्रों कर्नल टोड की हो गई मृत्यु, कर्नल टोड मर गए भी 1835 ईस्वी में। इसके बाद में 1839 ईस्वी की बात है मित्रों, 1839 ईस्वी में कर्नल टोड की एक किताब और प्रकाशित की गई। कर्नल टोड तो मर गए, अब इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होती है, और उस पुस्तक का नाम है द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिम भारत की यात्रा प्रकाश आपकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होती है, वो पुस्तक 1839 ईस्वी में प्रकाशित होती है मित्रों। और इस पुस्तक का प्रकाशन किसने करवाया, फिर इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया 1839 ईस्वी में, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। कर्नल टोड तो मर गए, कर्नल टोड की तो मृत्यु हो गई, कर्नल टोड की मृत्यु हो गई तो इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया। एक कमेंट आ रहा है, इसके संपादक कौन थे, विलियम क्रुक थे मित्रों, जो कर्नल टोड के शिष्य थे। 1839 ईस्वी में दी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन हुआ, कर्नल टोड की मृत्यु तो 1835 में ही होगी। 1835 ईस्वी में कर्नल टोड की मृत्यु हो गई तो प्रकाशन कौन करवाएगा, अब बची कौन है, वही बची, कौन बची, पत्नी बची थी, और पत्नी कौन थी बताओ, पत्नी का नाम था जूलिया कल्टरबक। तो कर्नल टोड की पत्नी नाम क्या था, जूलिया कल्टरबक था मित्रों, और जूलिया कल्टरबक ने इसकी दूसरी पुस्तक का प्रकाशन करवाया था 1839 ईस्वी में। तो ये कर्नल टोड के बारे में जानकारी थी। कर्नल टोड ने दो किताबें लिखी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो पहली किताब लिखी, तो दो भागों में प्रकाशित हुई मित्रों, और दो भागों में जो प्रकाशित होती है उस पुस्तक का नाम मैंने आपको बताया था कि पहला जो भाग था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ, और दूसरा भाग द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से इनकी एक पुस्तक के दो भाग है। इसके बाद में मित्रों आपके 1839 ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये दूसरी पुस्तक है जो 1839 में प्रकाशित हुई, जो इसकी पत्नी जूलिया कल्टरबक के द्वारा प्रकाशित की गई। तो आप सब लोग जुड़े रहे, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मीरा इंस्टीट्यूट के प्रति अपना प्रेम प्यार बनाए रखें, और मीरा इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करके बताएं, और इनका जो ऐप है मीरा इंस्टीट्यूट का वो भी डाउनलोड करें, उस पर भी आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।